मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे, और जैसे कि मालूम है कि फीवर एफएम हमेशा से ही नए गानों को प्रमोट करता है, और हम हैं एंटरटेनमेंट के बाप। इट्स ऑल अबाउट द म्यूजिक। जी हाँ, और हमेशा कोशिश रहती है कुछ नए कलाकार हों, पुराने चीजें हों ऐसी जो नए तरीके से पेश की जाए, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे आज सुनने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं सनम बैंड। इस बैंड के बारे में बहुत स्पेशल चीज है कि हम चार भाई हैं यहाँ पे, और भाई मतलब ब्लड ब्रदर्स नहीं है लेकिन ब्रदर्स बन गए। एक्चुअली हम सबका बचपन से ड्रीम था कि एक बैंड बनाया जाए, तो वो शुरू से था, कभी सोचना नहीं पड़ा कि बैंड बनाना है, ये नेचुरली आ रहा था। म्यूजिक भी हम सबके अंदर नेचुरली था, तो इवन ये चूज करना हमारे लिए कि म्यूजिक करना है, तो हमारे लिए वो नेचुरली आ रहा था कि मतलब एक्चुअली बचपन में ड्रॉ करता था कि एक गिटारिस्ट ये मैं होऊंगा, सिंगर सनम होगा, बेसिस्ट होगा एक थैंक यू होगा, और अभी वो हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सपना सच हो गया। क्या बात है। Or they say that Mumbai is a city of dreams. Uh-huh. So this is like the city of dreams for bands also, because we all came to Bombay to pursue a music career. क्या बात। एक बहुत बड़ी लाइन है, कहा जाता है कि जो सपने होते हैं वो नींद के बाद नहीं आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं। वाकई वो जो सपना आप लोगों ने सोचा था वो नींद ही नहीं आने दे रहे थे, जब ये बैंड बन गया वाकई कमाल है। इस गाने के बारे में बताइए, क्योंकि बड़ा कमाल है, इसके जो लिरिक्स हैं बहुत कमाल है, किसने लिखे हैं? ये हमारे लिरिसिस्ट हैं सिद्धार्थ कौशिक, जिन्होंने हमारे और भी गाने लिखे, गर्मी दी तू स्टाइल, काफी गाने लिखे उन्होंने हमारे साथ। तो ये हम क्या केरला में थे, शूटिंग कर रहे थे इस गाने के, आकाश के हम जो है, तो वापस आ रहे थे, तो समर ने गिटार में ग्रिप बजाया था, तो बोला सर इसमें कुछ मेलोडी बनाना, तो हमने कुछ मेलोडी बनाया मिलके, फिर हम लोग घर गए, घर में मिलके हमने गाने को और बढ़ाया फिर। और लिरिक्स की जब बात आती है तो मेरे माइंड में थीम चल रहा था, ये चीज मेरे माइंड में वैसे भी रखा हुआ था कि कभी कभी लड़के लड़कियां दोनों करते हैं, लेकिन मैं इस सेंस में अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लड़कियां कभी कभी जैसे बोलती है मेरे लिए ये करो नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राइट, सो दिस सॉन्ग इज अबाउट दैट कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जिसको तुम बोलोगे कि ये करो और मैं जरूरी नहीं है कि मैं करूंगा, बट आई स्टिल लव यू। क्या बात, वेरी गुड। अरे सनम चेहरे से लगता नहीं कि ऐसा होगा, ये थोड़ा सा चेहरा और इसके अंदर की हरकतें। ओके सनम, अधिकतर ऐसा होता है कि जब होता है, जब दोस्त बन जाते हैं, बैंड बनता है, तो बहुत सारे थोड़ी डांट फटकार भी होती है, कभी कुछ होता है ऐसा कुछ चिल्ला चोट?
जो सिर है वो नया सिर डाला तो मैं लिख आया था उसके लिए स्टेज पे भी होता है ना स्टेज पे तो वो जाते दोनों से होता है मैं चल रहा हूँ सडली इनका ये वाला जो पार्टी कहता है फेस पे लगता है कुछ कीड़ा है उसके बाद सॉरी बोलते हैं और मुझे जब गुस्सा आता मैं आई थ्रो माय स्टिक मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि जंप करता हूं गिटार से ऐसे करने लग जाता हूं तो आप शो में देखना तो आज के बाद मैंने दो शो देखे हैं इनके एंड सुपर एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए व्हाट अ परफॉर्मर क्या बढ़िया सीन में परफॉर्म करते हैं लेकिन असल में खास बात यह होती है कि अधिकतर आप सनम है आपका नाम है और यहाँ हमारे ऑफिस की लड़कियां बहुत आपको प्यार करती है तो आपका पहला सनम कौन बना और किस उम्र में बना ये मेरे से किसी ने नहीं पूछा कभी ये मैंने हमेशा बताया अपनी जो भी नई गर्लफ्रेंड बन जाए उसको तो कि जानू स्वीटी तू नहीं सनम मेरी मैं भी बताता हूं आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता मेरी पहली गर्लफ्रेंड था बट हां अभी आपने पूछा था बताता हूं पहली गर्लफ्रेंड आई वाज 13 इयर्स ओल्ड 13 साल वाओ बेटा बहुत सही जा रहे हो हां तो क्या हुआ था उसमें बहुत फनी रिलेशनशिप था वो 4 महीने डेट किया था हमने लेकिन सिर्फ फोन पे था अच्छा तो बट पता नहीं इसको गर्लफ्रेंड बोला भी चाहिए कि नहीं उनकी ये समझ लेकिन हाँ था अच्छा फिर क्यों मामला कैसे खत्म हुआ खत्म हुआ क्योंकि आई थिंक 4 महीने में फोन का बैटरी फोन बैटरी तो रिलेशनशिप खत्म नहीं एक्चुअली क्या हो रहा था कि हमें लगा कि दोस्त के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे तो मिल ही नहीं पा रहा था उसे इसे खत्म करो यार मैं आगे बढ़ता हूँ किसी और को ढूंढो तो किसी और को ढूंढा क्या नहीं अरे सनम के बारे में ऐसी बात जो किसी को नहीं मालूम है आप लोग तो बिल्कुल क्लोज हैं इनसे और मेरे ऑफिस लड़कियों को बताना बहुत जरूरी है आज जो भी बोला वो सब और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ देखो पिक्चर पांडे शो में हो फीवर एफएम में हो तो हमारी तो कोशिश रहती है कि वो चीजें निकाली जाए जो आप कहीं ना बोलते हो ना कहीं गाते हो ना कहीं बताते हो कौन सी ऐसी लाइन है गाने की किसी भी लाइन जो आपको आइडेंटिफाई करती है जो सनम बैंड को आइडेंटिफाई करती है लगता है ओह ये क्या गाना था क्या लाइन थी सनम मेनू क्योंकि हमारा पूरा मेन्यू है मतलब गानों का अच्छा मेन्यू है अच्छा तो उसके अंदर क्या क्या आता है मेन्यू में बैंकी आता है सनम आता है समर और केशव और हमारे मैनेजर बेन थॉमस भी है ओके ओरिजिनल गाने या वीडियो और रेंडिशंस तो वो सब समर बहुत स्पाइसी है और सनम बहुत स्वीट है बैंकी कैसे चॉकलेटी ठीक है केशव खट्टा है बहुत people like खट्टा also pickles and all that ये बोलना क्या चाहते हैं पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं और जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे इतने सारे लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वीडियो में लाइव में सुन रहे हैं हम कहना चाहते हैं ये गाना सुनो और इसको एंजॉय करो विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स विद एवरीवन दिस इज आवर ओरिजिनल सॉन्ग सो वी रियली लाइक योर सपोर्ट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट नाउ टू पुट आउट मोर ओरिजिनल म्यूजिक एंड वी होप दैट वी होप यू मेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग म्यूजिक एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट ऑफ मेनी दैट वी आर गोना पुट आउट दिस ईयर ये पहला पंजाबी गाना है जो बहुत फन है और बहुत डांसी है और इस वीडियो में हमने शायद डांस भी किया है और कुछ अलग अलग चीजें हैं जो आपने नहीं देखा होगा हमारे वीडियोस में हम चाहेंगे कि आप ये गाना शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल जरूर करना और प्लीज इस गाने पे डांस करना बहुत मजा आएगा हम सब मिलकर डांस करेंगे ओके गाइस थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू थैंक यू